अब इसको हम वापस लगा रहे हैं। वापस लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक तो मीटर की जो वायर है स्पीडोमीटर की, वो प्रॉपर जो है लगी होनी चाहिए। दूसरा ये है कि इसमें जो खांच बनी हुई है, ये खांच अंदर बुश आर्म पे फिट होगी। बुश आर्म में एक नोक सी निकली रहती है, एक पत्ती सी लगी रहती है, ये खांच उसके ऊपर बैठेगी, तब ये पहिया सही से बैठता है। तो इसको फिट करते समय पहले हम इसको हब के अंदर लगा लेंगे। हब में लगाने के बाद में इस साइड से उस खांच को हम उस पत्ती पे बैठा देंगे, तब ये बैठ जाएगी। तो लेफ़्ट साइड में हम जाएंगे, इसमें हमें एक छोटा सा ये छोटा पाइप सी पाइप की वो रहती है, ये चीज़ ये इसको लगाना ज़रूरी है। ये अगर नहीं लगाएंगे आप तो पहिया ढीला रहेगा, तो इसको लगाना ना भूल जाइए। ये अक्सर टायर खोलने में नीचे गिर जाती है। इसको लगाने के बाद में ये एक्सेल है, इसको आप आराम से सुराख मिलाते हुए लगा दीजिए। ठोकना नहीं है, आराम आराम से एक्सेल जब तक इधर आए ना, सुराख से मिलाते हुए टायर को आगे पीछे ऊपर नीचे एडजस्ट करते हुए, जब वो एक्सेल रोड इधर आ जाएगी तब तक आपने टायर को एडजस्ट करना है कि किस साइड से वो सुराख मिल रहा है। स्पीडोमीटर का ध्यान रखें, ये केबल जो है अगर ढीली हो गई है तो उसको अपनी जगह पे बैठा दीजिए, नहीं तो मीटर जो है काम नहीं करेगा, किलोमीटर कितना चल रही है वो दिखा नहीं कर शो नहीं करेगा। ये एक्सेल रोड आ गई इधर, अब आइए 19 नंबर का जो नट हमने खोला था उसको क्लॉकवाइज हम टाइट करेंगे। क्लॉकवाइज को हमने 19 नंबर के रिंग स्पैनर है या डी स्पैनर है उससे आप टाइट कर लीजिए। इसके बाद जब एक्सल रॉड आप फिट करके टाइट कर लेते हैं, तो अब आपको ब्रेक मिलाने हैं, क्योंकि ब्रेक हमने पूरे लूज़ किए थे। नए आप ब्रेक शू डाल रहे हैं तो ब्रेक शू नए होने की वजह से एक्सल हब के अंदर बैठता नहीं है, तो पहिया लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो पूरे ब्रेक शू हम ढीले कर लेते हैं, लगाने के बाद में उन ब्रेक शू को हमने एडजस्ट करना है। तो दोनों ब्रेकों को हम टाइट कर रहे हैं, कॉम्बी ब्रेक है तो दोनों को एडजस्ट किया जाता है, आगे वाला 30% और पिछला ब्रेक जो है 70% के रेशियो में इसको एडजस्ट किया जाता है। पहिया फ्री घूमना चाहिए, इस प्रकार से आगे के ब्रेक हमने चेंज किए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।